राजधानी लखनऊ में अध्यात्म एक महासमागम नामक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 2014 में हमने एक नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, उसी का परिणाम है। देखिए, आज भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारत विश्व गुरु था और भारत विश्व गुरु फिर से बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं विजयवर्गीय ने यूपी के बदलते माहौल का श्रेय सीएम योगी को, प्रदेश के बदलते माहौल का श्रेय दिया। इसी दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर उनकी कार्यशैली को लेकर तंज भी कसा और कहा कि अगर बंदर के हाथ उस तरह आ जाता है तो वो किसी की भी हजामत करना शुरू कर देता है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा, साध्वी प्राची, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास मौजूद रहे। देखिए, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश का वातावरण और ज़्यादा अच्छा हो गया। इस प्रकार के काम करने में लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, इसमें भी कोई दो मत नहीं, पर इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहना चाहिए क्योंकि हमारी बहुत सारी विशेषता आज भी नई पीढ़ी को पता नहीं है। हमारा पूरा की पूरा जो सनातन धर्म है वो पूरा वैज्ञानिक है। आप एक एक चीज़ के ऊपर यदि आप देखेंगे तो एक नाक में महिलाएं क्यों पहनती है नक, इसके पीछे कारण है। कान में बाली क्यों पहनती है, इसके पीछे कारण है। बिंदी क्यों लगाती है, इसके पीछे कारण है। विज्ञान है पूरा की पूरा, और इसलिए हमारा सनातन धर्म है वह पूरी तरीके से ऋषि मनुष्यों की तपस्या के माध्यम से उन्होंने वैज्ञानिक आधार के आधार पर पूरे के पूरे हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। संविधान को मानने को तैयार नहीं इस देश में रह के, कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें करे कुछ नहीं। यह एक है कि आप हमारे घर पर आप 5 साल कब्जा कर लिए, 10 साल कब्जा कर लिए तो आपका हो गया। यह तो हमारा था, वहाँ हजारों वर्ष से, लाखों वर्ष से शिव जी का, भूतनाथ कैलाश का मंदिर हुआ करता था, और आज कहते हैं घुसने नहीं देंगे। लेकिन योगी जी हैं, बुलडोजर चलेगा, वहाँ भी चलेगा, बहुत जल्दी चलेगा। तो ये तो पहले से चला रहा है। क्या अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो अभी वह भी 2024 तक पूरा होगा, और जो हमारा अखंड हिंदू राष्ट्र का सपना है वह भी पूरा होगा। और मोदी जी, योगी जी करेंगे, थोड़ा हो हल्ला तो होगा, शांत हो जाएंगे सब, क्योंकि योगी जी है, विश्वास है उन पर। राजधानी लखनऊ में हो रहे अध्यात्म एक समागम कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कितने उत्साह के साथ लोग शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ये सभी लोग जो कि इसके आयोजक हैं, शशिकांत तिवारी जी। मैं इनसे पूछता हूँ क्या कुछ उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। देखिए, आज हम लोग लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अध्यात्म का महासमागम एक हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें देश भर के धर्माचार्य और महामंडलेश्वर और तमाम हमारे देश विदेश के धर्माचार्य इकट्ठे हो रहे हैं। इसके साथ ही इसके उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी आ रहे हैं, हमारे बीच में आदरणीय दिनेश शर्मा जी मुख्य वक्ता के रूप में आ रहे हैं, और बहुत ही लोग उत्साहित हैं यहाँ पे सुरेश चौहान जी को सुनने के लिए, जो सुदर्शन टीवी न्यूज़ के संपादक हैं, और जो हम यहाँ व्याख्यान हो रहा है उसका विषय हम लोगों ने रखा हुआ है कि वास्तविक भारत समर्थ, शिक्षित, समर्थ और सशक्त हिंदू राष्ट्र, तो इस पे आज हो रहा है। हमारे साथ में मनोज द्विवेदी जी दिल्ली से आए हुए हैं, आप आध्यात्मिक वक्ता हैं और आपको भी लोग, मनोज द्विवेदी जी को भी यहाँ पे सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मनोज जी, उत्तर प्रदेश में महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कहा जा रहा है कि अध्यात्म जैसी चीज़ों के लिए, धार्मिक भावनाओं के लिए काम करने वाले लोगों के लिए एक बहुत शानदार माहौल है, ऐसे में ये अध्यात्म समागम क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा ये आध्यात्मिक समागम वस्तुतः भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए है कि धर्म को किस रूप में संजोया जाए, इनके किन किन तत्वों को आगे लाया जाए, किस तरह इसे एक संगठित रूप प्रदान किया जाए कि भारत और हिंदू धर्म जो है वो विश्व धर्म के रूप में आगे बढ़े। और हिंदू धर्म में ही वह शक्ति है कि पूरे विश्व में यह शांति ला सकता है, सद्भाव स्थापित कर सकता है, क्योंकि यही धर्म है जो पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मानता है। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि भारत कभी विश्व का गुरु था और एक बार पुनः भारत को विश्व गुरु की भूमिका में आना होगा, तो ये अध्यात्मिक समागम जैसे धार्मिक आयोजन इसी उद्देश्य से किए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि सिंह के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी।